प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजु हब बालसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में अध्ययन करने जा रहे हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में। हमने इससे पहले अध्ययन किया था प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में, तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो, प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है कि प्रतिबल और जो विकृति होती है उसका जो अनुपात होता है उसे ही कहते हैं प्रत्यास्थ गुणांक। अब यही एक नया शब्द ऐड हो गया, आयतन। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई आयतन जो प्रतिबल है और जो आयतन विकृति है इसका जो अनुपात है हम वही कहेंगे, उसे कहेंगे आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। तो अपन कह सकते हैं कि आयतन प्रतिबल और जो आयतन विकृति है इसके अनुपात को हम आयतन प्रत्यास्थ गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक होता है, इसको हम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, के द्वारा दर्शाते हैं, के इसका प्रतीक चिन्ह होता है। जैसा अपन ऐसा मान लें, मान कि हम कहीं पर स्पर्शीय प्रतिबल लगा रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कोई स्पर्शीय प्रतिबल लगाए, क्योंकि स्पर्शीय प्रतिबल लगाते हैं या हम स्पर्शीय को अगर बाह्य बल लगाते हैं उस कंडीशन में ही हमारी स्पर्शीय विकृति जो है उत्पन्न हो जाती है, उस कंडीशन में ही हमारी आयतन विकृति उत्पन्न हो जाती है। माना अपन यहाँ पे स्पर्शीय हम कोई बल लगा रहे, माना यहाँ पे हम कोई बल लगा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे कोई बल लगा रहे हैं स्पर्श करते ऐसे इस प्रकार से, तो स्पर्शीय बल लगाने से माना कि इसके अंदर माना इसके आयतन में कमी हो जाती है, माना कि डेल्टा वी इसका आयतन हो जाता है, कमी हो जाती है। तो जब अगर इसके अगर हम बाह्य बल लगा रहे हैं इसके ऊपर, अगर ये बाह्य बल लगाने से अगर इसके आयतन में कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो आयतन जो विकृति है वो कहलाती है संपीड़न आयतन विकृति, और जो प्रतिबल है वो कहलाता है संपीड़न आयतन प्रतिबल। अब ये जो प्रतिबल है आयतन वाला, आयतन जो प्रतिबल है इसका फॉर्मूला वही सेम रहेगा एफ बटा ए। अगर माना ये हमने जो बाह्य बल जो बल लगाया है, अगर माना बाह्य बल लगाने से अगर इसके आयतन में कमी हो जाती है तो संपीड़न जो आयतन जो विकृति है, संपीड़न आयतन जो विकृति उत्पन्न हुई है ये विकृति हो जाएगी डेल्टा वी माइनस अपॉन वी। अब हम इनका अनुपात यहाँ पे दोनों कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आयतन प्रत्यास्थ गुणांक के बराबर आयतन प्रतिबल का मान रख दो एफ अपॉन ए और इसका मान रख दो विकृति का माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। देखो ये इससे गुणा हो जाएगा और जो है ये इससे गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के बराबर एफ इंटू वी अपॉन ए इंटू माइनस डेल्टा वी। तो ये हमारा आ जाएगा आयतन प्रत्यास्थ जो है गुणांक। इसका जो मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और जो इसकी विमा है, इसकी विमा होती है m1 l माइनस वन टी माइनस टू, इसकी विमा होती है। तो क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है कि भाई आयतन जो प्रतिबल है और जो आयतन विकृति है उसका अनुपात है वही कहलाता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। इसको हम के द्वारा दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने यहाँ दोनों के मान रख देंगे, आयतन प्रतिबल हो जाएगा बल बटा ए, विकृति अगर माना इसके आयतन में कमी हो जाती है बल लगाने से तो विकृति माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। यहाँ डेल्टा वी माइनस है का मतलब है ये यहाँ माइनस जो चिन्ह है ये आयतन में कमी को दर्शाता है। दोनों का मान रख देंगे, ये संख्या जो है इससे गुणा हो जाएगी एफ इंटू वी और ए इससे गुणा हो जाएगा, तो एफ इंटू वी अपॉन ए और इंटू माइनस डेल्टा वी, ये हमारा इसका मान प्राप्त हो जाएगा और ये इसका मात्र इसकी विमा होती है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।